ग्लैंड फार्मा, इस स्टॉक के ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि स्टॉक को लेकर के दो बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जिसका असर मुझे लगता है सोमवार के दिन थोड़ा बहुत देखने को मिले। थोड़ा बहुत मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ग्लैंड फार्मा में कोई भी न्यूज़ इसे ना तो कोई बहुत तेजी दिखा पा रही है यहाँ से और ना ही स्टॉक में कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को दिख रहे हैं। एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ स्टॉक है, लेकिन अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं तो जो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रही हैं ये अभी नहीं तो आने वाले समय में जरूर से जरूर असर करेंगी दोस्तों, पॉजिटिव या निगेटिव बट असर जरूर करेंगी। प्लस एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस ने भी दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर टारगेट दिए हैं। तो क्या है ये तीनों मामला, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत संक्षिप्त में रखूंगा दोस्तों, वीडियो बिल्कुल बड़ी नहीं होने वाली। तो विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके सीधा बात करता हूँ आपको इस फार्मा कंपनी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमता मिश्रा और आज बात करेंगे ग्लैंड फार्मा की। सबसे पहली चीज दोस्तों, ग्लैंड फार्मा में बहुत बहुत सारे मैसेज आज भी आते हैं कि स्टॉक में करें क्या, स्टॉक में क्या करें, स्टॉक में क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। और करेंटली मैं ये कहता हूं दोस्तों अभी उनको कि स्टॉक समय व्यतीत कर रहा है, स्टॉक टाइम बिता रहा है, एक बेस बना रहा है 1530 1550 के आसपास मुझे स्टॉक का आप कह सकते हैं ह्यूज सपोर्ट दिखता है। लेकिन जब तक क्वार्टर थ्री के नंबर नहीं आते दोस्तों, जब तक क्वार्टरली नंबर्स नहीं आते क्वार्टर थ्री के, इसमें निवेश करना थोड़ा आप कह सकते हैं डेंजरस हो सकता है। डिस्क्लोजर के रूप में स्टॉक में मेरी या मेरी फैमिली मेंबर जिनको मैं निवेश की सलाह देता हूँ दोस्तों, यानी उनको जो ट्रेड है वो मैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में जो कराता हूँ, स्टॉक में निवेशित है दोस्तों, ठीक है, स्टॉक में निवेशित हैं तो मेरी खुद की फैमिली मेंबर्स की इसमें होल्डिंग है, तो ये पहले डिस्क्लोजर के रूप में। लेकिन ये वीडियो दोस्तों प्योरली एजुकेशन पर्पज के लिए, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी निवेश करें वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लें, बट जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहली अपडेट दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी दोस्तों, जहां पे लिखा हुआ है कि भाई ड्रग फर्म ग्लैंड फार्मा ने फ्राइडे को दोस्तों एक पैक्ट साइन किया है दोस्तों FPCI सिनो फ्रेंच मिड कैप फंड क्या के साथ टू अक्वायर 100% स्टेक इन यूरोप बेस्ड सिनेक्सी ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, सिनेक्सी ग्रुप में 100% स्टेक बढ़ाने चाह रही है दोस्तों कौन, ग्लैंड फार्मा। और इसके लिए उन्होंने पैक्ट साइन किया है FPCI सिनो फ्रेंच मिड कैप फंड के साथ, ठीक है दोस्तों। आप देखिए जो ये फंड है ये सिंगापुर बेस्ड होली ओन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी हैज एंटर्ड इन टू अ शेयर परचेज एग्रीमेंट विद FPCI सिनो फ्रेंच मिड कैप फंड टू फुल्ली एक्वायर स्टेक इट सिनेक्सी परसुडेंट टू द टर्म्स ऑफ पुट ऑप्शन एग्रीमेंट इंक ऑन नवम्बर लास्ट ईयर, ठीक है दोस्तों। तो ये एक काफी अच्छी आप कह सकते हैं डील हो सकती है। और देखिए जब इसकी खबर निकल के आई थी ना दोस्तों, सिनेक्सी ग्रुप खरीदने वाली है ग्लैंड फार्मा, बाजार बिल्कुल भी खुश नहीं था, बल्कि उल्टे बाजार में गिरावट देखने को मिली थी। रीजन ये था कि निवेशकों का एनालिस्टों का मानना ये था कि जो मार्जिन है ना उससे इंप्रूवमेंट होगी नहीं दोस्तों, और जिस तरह की ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। बट दूसरी तरफ लोगों का कहना था कि भाई यूरोप में, क्योंकि जिस फैसिलिटी को ये खरीद रही थी ग्लैंड फार्मा उसमें अभी स्पेशलाइजेशन ग्लैंड फार्मा का नहीं है, तो आने वाले समय में यूरोप की फैसिलिटी को इंडिया में ट्रांसफर करके चीपली मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है उस चीज को, जिसका फायदा ग्लैंड फार्मा को बिल्कुल होगा और मुझे भी लगता होगा। लेकिन इसके लिए दोस्तों समय लगेगा, ठीक। तो दूसरी जो खबर निकल के आ रही है दोस्तों मैं आपको दिखाऊं, आपकी स्क्रीन दिख रही होगी, अभी कल या परसों की बात दोस्तों, ग्लैंड फार्मा की जो डुंडीगल की जो फैसिलिटी है हैदराबाद के पास उसको स्टेबलेट इंस्पेक्शन के लिए USFDA गई थी और वहां पे जो इंस्पेक्शन है वो खत्म हुई है। खत्म होने के बाद दोस्तों कह लीजिए जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है इट वॉज अ प्री मार्केट इंसेप्शन इंस्पेक्शन कवरिंग USFDA's क्वालिटी सिस्टम करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रेगुलेशन फॉर मेडिकल डिवाइसेस। मैन्युफैक्चरिंग से पहले दोस्तों इंस्पेक्शन किया जाता है, उसी के अंतर्गत ये तमाम चीजें हुई हैं। कंपनी को एक ऑब्जर्वेशन भी मिली है दोस्तों ऑन फॉर्म 483 आफ्टर द इंस्पेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखिए ये इतना मिलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, लेकिन हाँ एक ऑब्जर्वेशन मिला है जो मुझे लगता है इट्स नॉर्मल। यानी कि दो खबरें स्टॉक में हो चुकी हैं और एक खबर, और ये खबर नहीं कहनी चाहिए, एक रिपोर्ट है जो शेयर खाने निकाली है। आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी दोस्तों तीसरी रिपोर्ट जो है कि जो शेयर खाने दोस्तों वो जो है ग्लैंड फार्मा में होल्ड की बात कहते हुए अप्रोक्सीमेटली 1700 1689 के टारगेट दे रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 1700 आप कह सकते हैं।
क्या है पूरी रिपोर्ट में, मुझे लगता है Q3 के नतीजे देखने चाहिए, उसके बाद ही कोई टिप्पणी करनी चाहिए। तो दोस्तों करेंटली ग्लैंड फार्मा में जो इतने सारे क्वेरीज हैं उसे मैं एड्रेस करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि भाई करेंटली स्टॉक समय बिता रहा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अभी निवेश उन लोग ना करें जो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचते हैं, क्योंकि नो डाउट स्टॉक की वैल्यूएशन अच्छी है, स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर मिल रहा है, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन जो प्रमोटर के इश्यूज है ना दोस्तों, चाइनीज प्रमोटर के, वो अभी भी रिजोल्व नहीं हुए हैं। बीच में जो खबर आई थी कि भाई अपने हिस्सेदारी बेच रही हैं, वो भी खबरें शांत हो गई हैं। तो इसीलिए सिर्फ खबरों के दम पे खुश होना या डरने की जरूरत नहीं है। Q3 के नंबर देखते हैं, कंपनी क्या कह रही है, क्या मार्जिन के फ्रंट में हमें ग्लैंड फार्म में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है या नहीं, ये जरूरी चीज होगी। फ्यूचर को लेकर के क्या कहना है, क्योंकि कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो ग्लैंड फार्म मैनेजमेंट ने कहा था कि भाई आने वाले 6 क्वार्टर तक, जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। और ये बात मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि भाई आने वाले जो 6 हफ्ते हैं ये थोड़े से प्रेशर में रहेंगे, इनके मार्जिन कंपटीशन इंटेंसिटी के कारण उस हद तक आपको कह लीजिए अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं अगर आप कोई बहुत ज्यादा उम्मीद कर रखें। तो ये भी चीज है दोस्तों, ये तमाम चीजें आप जब निवेश करें इसको समझें, ठीक है। और आपको जो रिस्क एपेटाइट है, जो आप रिस्क रिवॉर्ड देखते हो कि आपके सही समय में रिवॉर्ड की तरफ ज्यादा है या नहीं, और अगर ये रिस्क की तरफ ज्यादा है तो क्या आप रिस्क ले सकते हो, अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा आपको देना है, ये तमाम चीजें दोस्तों आपको ये निवेश से पहले सोचनी है। इसके लिए एक वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लीजिएगा। करेंटली ये सही बात है, स्टॉक अच्छा है, बेस बना रहा है, ठीक है दोस्तों। और आपको पता होगा जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां रिवॉर्ड ज्यादा होता ही है, सिर्फ रिस्क ज्यादा होता है रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है, इस कारण निवेश नहीं करना दोस्तों। क्या आप उस रिस्क को उठा सकते हैं, ये जरूरी चीज है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस वीडियो था जो लाना जरूरी था दोस्तों। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।